हालात में हिजबे इख्तिलाफ की तमाम बड़ी जमातों की बैठक हुई, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों के रहनुमा हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक शुरू करने के लिए इस्लामाबाद में अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों का बड़ा इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई से बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर और शिबली फराज शरीक हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान और पख्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई ने भी इजलास में शिरकत की। मोहम्मद अली दुर्रानी समेत जमात इस्लामी और बीएनपी बेंगल के वफद भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई, साथ ही अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर तफसीली गुफ्तगु भी की। अपोजिशन जमातों के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका हिकमत अमली के लिए TORs पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया। इजलास के बाद गुफ्तगु करते हुए पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान भी एक साथ चलने पर राजी हो गए हैं। आज के इजलास का तफसीली एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा।